हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अमोहक प्रश्न से जुड़े हुए हैं, हम लोग जैसे मैं हूँ, जगजीत जी हैं, निखिल जी हैं, अनिल जी हैं, हम लोग मंथ में रीडिंग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक से दो रीडिंग भी हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से होती है। और बाकी मेरा नाम काजल शर्मा है, मैं हरिद्वार से मेरी स्टडी हुई है पूरी तरीके से, और वहां पे मैं योगा की मेरी स्टडी हो रही थी ड्यू टू योगा। मैं प्राणिक हीलिंग में इंटरेस्टेड थी, तो मुझे वहां पे मैंने हीलिंग सीखा। जैसे मैंने हीलिंग सीखा, सीखते सीखते वहां पे मेरा मर्म थेरेपी भी मेरा कोर्स चलने लगा, तो मैंने प्राणिक हीलिंग एंड मर्म थेरेपी और योगा मैंने एक साथ किया। तो मैं क्लासेस देती हूँ योगा की, मर्म थेरेपी की, और दिल आफ्टर दैट मैं जब योगा की कंप्लीट मेरी स्टडी हुई, उसके बाद में मैं दिल्ली आई। दिल्ली में आके मैंने रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग और टैरट रीडिंग, वो भी मैं करती हूँ। तो ये सारी कंप्लीट ऑकल्ट साइंस है जिससे कि मैं जुड़ी हुई हूँ, और एस्ट्रोलॉजी भी है साथ में। तो हम लोग के जो टीम मेंबर्स हैं, जगजीत जी, अनिल जी, निखिल जी एंड मी काजल, तो हम लोग मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग करते हैं, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यही हम लोगों का एक उद्देश्य है कि इस मोहक प्रश्न को चलाने का। और बाकी मैं ये टैरो रीडिंग भी करती हूँ, लामा फेरा हीलिंग करती भी हूँ, सिखाती भी हूँ, रेकी हीलिंग करती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। तो ये मेरा प्रोफेशन है ऑकल्ट साइंस का पूरे तरीके से। और जैसा कि और मेरा जैसे योगा जैसे मैं कराती हूँ, तो टोटली डिजीज के ऊपर में मेरा योगा होता है, फिजिकल फिटनेस एंड मेडिटेशन, ब्रेन हेल्थ, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हम लोग मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन के बहुत सारे सेशंस होते हैं, डिपेंड कि कौन सा मेडिटेशन किसको सूट करेगा, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनको हम प्रोफेशनली जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, जो भी जिस तरीके की भी, सोशली, फैमिली वाइज, हर तरीके के आज के जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, फियर होता है, आजकल की लाइफ की भाग दौड़ में बहुत सारे टेंशन भरी लाइफ होती है, तो हम उनको रिसॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीजों से निजात देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं। तो यही एक हमारा उद्देश्य है आज के सेशन का। और हम अपने इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं अपने हीलिंग पार्ट्स को, कि किस तरीके से हम हीलिंग को अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, किस तरीके से हम हीलिंग को अपनी लाइफ में जी सकते हैं, और कैसे हम अपनी और अपनों की और अपने काम की, अपनी लाइफ को कैसे हम उसको बेटर बना सकते हैं। तो आप लोग जैसे जानते ही हैं कि आजकल जैसा हमारा जो भी हमारा प्रोफेशन है या कुछ भी है, आजकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है हमारी लाइफ, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इन सब चीजों से रिजॉल्व करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस तरीके के हीलिंग सेशंस भी देते हैं। तो जो लोग भी मतलब चाहे इस हीलिंग सेशन को लेना या सीखना, तो मोहक प्रश्न में कांटेक्ट कर सकते हैं पूरे तरीके से। हाँ सर, आप हैं अभी? जी मैम, परफेक्ट, आप चालू कर सकते हैं। मेडिटेशन करेंगे। सेल्फ फॉरगिवनेस में क्या होता है कि हमारी लाइफ के उतार चढ़ाव, हमारे बचपन से लेके आज तक की जो लाइफ रहती है, बहुत सारी चीजें हमारे अपनों से मिली हुई होती हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव, हमारे नेबर्स, हमारे आसपास, या बहुत सारी चीजें हमारे साथ में, ऐसा हमें फील होता है कि हमारे साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है लाइफ में, वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं टाइम बीत जाता है, लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे मन में गांठ बनकर रह जाती है। तो उसको निकालने के लिए एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है सेल्फ फॉरगिवनेस का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब लोग अपने कुछ पॉइंट्स को, जिससे कि हम लोग मर्म थेरेपी के जिसको पॉइंट्स हम बोलते हैं, उनको हम पॉइंट आउट करेंगे, उनको हम प्रेस करेंगे, जिससे कि हम मेडिटेशन करने के लिए हमारे जो माइनर चक्रास हैं वो ओपन हो सके। तो आप, मैं बोलती जाती हूँ, आप मेरे साथ में करते जाइए, मुझे देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फिंगर हैंड को रब करेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ में करते रहिए। जब हाथों में गर्मी हो महसूस होने लगे, देन उसके बाद में हम
पॉइंट आउट करेंगे इस तरीके से, अपने चक्रों को ओपन करेंगे, मेरे साथ में आप दोहराते रहिए सब लोग, फिंगर्स को टिप्स पर रखेंगे इस तरीके से, एक एक पॉइंट को दबाएंगे अपने हैंड के, आप सब लोग साथ में करते जाइए, अपने सर के पॉइंट को जहां पे हमारी चोटी होती है बिल्कुल सर के पॉइंट को हम लोग प्रेस करेंगे, 5 टाइम प्रेस करिए, यहाँ के पॉइंट्स को हम प्रेस करेंगे, यहाँ के पॉइंट्स को प्रेस करेंगे इस तरीके से, आप मुझे कॉपी कर सकते हैं। किस तरीके से मैं अपने पॉइंट्स को दबा रही हूँ, यहाँ के पॉइंट्स को नोज पे, थ्री टाइम्स प्रेस कीजिए, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं हमारे शोल्डर्स पे, उसको 3 टाइम प्रेस करेंगे, 1 2 3 एंड 1 2 3, अगर समझ में ना आए अपने हैंड्स को दोनों उसको प्रेस कीजिए इस तरीके से, एकदम रिलैक्स एंड काम, इस तरीके से हम करेंगे, देन रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एकदम रिलैक्स, आंखें बंद सब लोग, आंखें बंद करेंगे, इस म्यूजिक के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, एकदम कनेक्ट कर लीजिए सभी, एकदम कनेक्शन बिठा लीजिए, आंखें सबकी बंद रहेंगी, एकदम रिलैक्स, अब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे, आंखें बंद, हथेलियां अपने पैरों पे आराम से बैठ जाएंगे, एकदम रिलैक्स, दोनों आंखों को बंद कर लें, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हैं, एकदम रिलैक्स, शरीर को एकदम ढीला पड़ जाने दें, और एक गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और बाहर, आपका शरीर आपकी सांसों की गति के साथ एकदम ढीला पड़ रहा है,
अपनी सांसों के साक्षी बन जाएं और सांसों को देखते रहें कि किस नोस्ट्रल से हमारा सांस आ रहा है और किस नोस्ट्रल से हमारा सांस जा रहा है। आप अपनी ब्रीदिंग को पूरे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि हम अपनी ब्रीदिंग कर किस नोस्ट्रल से आ रही है, किस नोस्ट्रल से जा रही है। पूरा ध्यान पूरी तन्मयता के साथ अपने शरीर को पूरा सांसों के साथ लगाइए। सांसों को देखते रहिए, शरीर को ढीला करते जाने पड़ता जा रहा है, उसको छोड़ते जाइए अपने शरीर। आपका मन शरीर पूरे तरीके से शांत होने लगा है। आंखें बंद रहेगी, कोई भी आंख नहीं खुलेगी। आप कल्पना करिए कि आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं और आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आपको लगता है कि आपके साथ उस इंसान ने गलत किया है या आपके साथ में कुछ गलत हुआ है या आपको लगता है कि मुझे उसे माफ करना है, मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग कोई सिचुएशन भी हो सकती है जो लगा कि वो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, जो उस परिस्थिति में आपके साथ में कुछ गलत हुआ। उस परिस्थिति को देखें, उस इंसान को देखें, वहां पर इमेजिनेशन में जाएं, उस पर्सन को अपने सामने प्रेजेंट रूप में फील करें और अपने अंदर में देखें कि आपके अंदर में क्या इमोशंस चल रहे हैं। उसको देखते हुए आपको गुस्सा आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है या आपको कोई नेगेटिव फील आ रहा है, कोई भावना आ रही है, सिर्फ उसको देखें। सिर्फ आप ऑब्जर्वर बनकर उसको देखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल मत करिए, उसको रोकिए नहीं। जो भी भाव आ रहे हैं, जो भी भावनाएं आ रही है, फीलिंग आ रही है, उसको बस महसूस करिए। किसी भी तरीके का कोई प्रेशर, कोई कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ उसको देखते रहिए। अब सोचिए कि जो भी इंसान है, जो उसका बिहेव रहा, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं था, क्या उसके बिहेव से आपके ऊपर में क्या इम्पैक्ट आया, क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके लाइफ में। हो सकता है किसी ने किसी का पैसा ले लिया हो, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, हो सकता है किसी ने बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लाइफ में नेगेटिव रूप में आई होंगी। किसी भी प्रकार से आपको किसी ने तकलीफ दी है, उसके उस चीज को सोचिए। जब आपके साथ चीज वो घटना हो रही थी, तो आपने अपने आप को उस टाइम पे कैसे मैनेज किया, कैसे अपने इमोशंस को, कैसे अपनी सिचुएशन को कंट्रोल की। जिस इंसान ने आपको तकलीफ दी, अगर वो तकलीफ ना होती तो शायद वो आपके अंदर में पेशेंस, वो कंट्रोल नहीं आता, उस परिस्थिति से लड़ने की ताकत नहीं आती, हिम्मत नहीं आती। आप उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव नहीं रह पाते, अपोजिट सिचुएशन से उस इंसान ने आपको लड़ना सिखाया, आपको एक ताकतवर इंसान बनाया, उस परिस्थिति में आपको लेकर गए। उस टाइम पे लगा कि आपके साथ में गलत हो रहा है, बट अगर वो गलत नहीं हुआ होता तो आज आप इस मुकाम पर नहीं होते। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी बहादुरी आपके जीवन में नहीं आती।
इंसान को आप माफ कर दीजिए, उसने देखिए कि वो तो मेरा गुरु है, अगर हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, सब पॉजिटिव ही होता रहेगा, तो हमें वो हिम्मत भी नहीं मिलेगी ऐसी परिस्थितियों से लड़ने, अगर कहीं नेगेटिव है तभी वो पॉजिटिव है। वो इंसान आपका टीचर हुआ, आपका गुरु हुआ, ऐसी फीलिंग अपने अंदर आने दें और फील करें कि मैंने उस इंसान से कुछ लेसन सीखा है, वो इंसान मेरा दुश्मन नहीं, मेरा सहयोगी है। और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो भी मेरे मन से वो भाव निकले, जब भी मेरे मन से किसी प्रकार का कोई दुर्भावना आई, कोई नेगेटिव विचार आया, इस इंसान को आप माफ कर दीजिए, मुझे भी आप माफ कर दीजिए। जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया, जिस इंसान ने मुझे चीटिंग की, जिसने मेरे नहीं पता कि वो मेरा मुझे कमजोर नहीं, मुझे ताकतवर बना रहा है, उसने अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग काम किया, अपनी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग उसने अपना बिहेवियर दिखाया, इसका परिणाम कि मैं आज एक ताकतवर इंसान बन चुका हूं, ये देखने की कोशिश करें इस इंसान ने किया तो क्यों किया। हो सकता है कि आप भी इसी परिस्थिति में होते तो शायद यही एक्शन लेते। आज से पहले, कुछ साल पहले, 5 साल 10 साल बैक जाएंगे तो शायद आप इतने मैच्योर नहीं रहे होंगे, इतने ताकतवर नहीं रहे होंगे, लेकिन आज आप काफी मैच्योर है, मजबूत है। आप जान चुके हैं कि उस परिस्थिति में आने का भी कोई ना कोई एक पर्पस था, उस परिस्थिति में आने के बाद ही मैंने कुछ अच्छे कदम उठाए अपनी लाइफ में। आप पूरे तरीके से उस इंसान को माफ करेंगे। अब आप इमेजिन करें, वो व्यक्ति आपके सामने एक लाइट के रूप में खड़ा हुआ है और आप उसके सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हुए हैं और आप उसके करीब जा रहे हैं, वो आपके करीब आ रहा है, आप उसे हग करें, उसे वेलकम करेंगे और इमेजिन करिए कि आपने उसको माफ कर दिया है, दिल से उसको माफ कर दिया है। आप उसे ब्लेस कीजिए, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें माफ किया। अब आप अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नियर्स, उन सबको याद करिए, उन सबका धन्यवाद दीजिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सबका कोई ना कोई सहयोग है आपके जीवन में आने का, इस मुकाम पर आने का। और सबको ब्लेस कीजिए, अपने माता पिता को ब्लेस कीजिए कि इस दुनिया में आपको वो लेकर आए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको ब्लेस करिए, सबको माफ करिए, जिसने भी आपके साथ में कुछ भी गलत किया है इस जीवन में, सबको माफ करिए, जाने अनजाने किसी भी तरीके से आपको तकलीफ पहुंचाई है, सबको फॉरगिव करिए।
अब आप देखेंगे आपको अब कितना हल्का महसूस हो रहा है फॉगिंग करके। अब आप अपने परमेश्वर जिसको भी आप मानते हैं, अपने गुरु, अपने भगवान अल्लाह जीसस जिसको भी आप मानते हैं, उसकी तरफ आसमान की तरफ अपने सर को करें और कहें, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। वो भाग्य मेरे जो मुझे ये दिन दिखाया। आज मैं अपनी सारी कड़वाहट, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा अपनी जिंदगी से, अपने मन से पूरे तरीके से निकाल रहा हूँ। मैं एकदम शांति को अनुभव कर रहा हूँ, एकदम पीस, रिलैक्स और शांति से मुझे कनेक्शन महसूस हो रहा है, उसको महसूस करें। हे और कहें, हे ईश्वर, मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु, तुमने मेरे पर बहुत सारी रहमतें की हैं, बहुत सारी कृपा की है, बहुत सारे एहसान किए हैं। ये मेरी मुक्ता थी कि मैंने इन सबको कभी नहीं पहचाना, भूल गया या भूल गई, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिस चीज के लिए मुझे थैंक यू हमेशा बोलना चाहिए था, उसके लिए भी मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला। पूरे हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, I love you and thank you. I love you and thank you. Love you and thank you. इस फीलिंग को महसूस करते रहे। अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपने बच्चे, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, हर किसी को, जो भी आपके जानकारी में, जो भी आपके लोग हैं आसपास हैं, सबको तहे दिल से माफ कर। हे मेरे मालिक, थैंक यू सो मच इस जिंदा दिली के लिए, इस जीवन के लिए, ध्यान के लिए आया, इसके लिए मैं हृदय से शुक्रिया करती हूँ, हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आरोग्य कार्य ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। आंखें बंद, एकदम रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, बस महसूस करते जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं और अपने शरीर के अंदर की शांति को, अपने मन के अंदर की शांति को पूरे तरीके से महसूस करें और शांति में डूबे रहें। दो मिनट तक सब लोग ऐसे ही बैठे रहें, धीरे धीरे से अपने हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखें नहीं खोलेगा कोई, दोनों हाथों को रब कीजिए जब तक गर्मी ना निकलने लग जाए, और जब हाथों की एकदम वार्म हो जाए देन उसके बाद अपने आंखों पे लगाएंगे, फेस पर लगाइए। दोनों हाथों से अपने आप को आशीर्वाद दीजिए, जो भी आपका नाम है, आपने आज तक सबको आशीर्वाद दिया होगा, सबको प्रेम किया, कभी आज तक आप अपने अपने आप को आशीर्वाद नहीं दिया, आप अपना अपना नाम लेके सब कहें, जैसे मेरा नाम काजल है, काजल हमेशा खुश रहो, सदा सुखी रहो, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान। अब अपने आप को गले लगाइए, हग कीजिए अपने आप को,
नाम लेके गई है काजल, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं तुम्हें दिल से लगाती हूँ। तुमने शरीर को धारण किया, मेरे मन को यहाँ तक पहुंचाया, मेरी फिजिकल बॉडी से ही मुझे सब जानते हैं। थैंक यू सो मच शरीर के लिए। अपने आप को कहें काजल थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू आई लव आई फॉरगिव यू आई फॉरगिव। धीरे 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 से अपनी आंखों को एकदम रिलैक्स काम एंड पीस। मैम बहुत ही अमेजिंग था आपका जो सेशन आज का। जिन लोगों ने मिस किया उन लोगों को आई विल से एक बार देख लें और चेक करें कि कितनी हैवी और कितनी इंटरेस्टिंग होती है ये हीलिंग थेरेपी। सर आपको महसूस हुई? डेफिनेटली मैम डेफिनेटली, आप तो जानते मतलब हम लोग स्टार्टिंग से ये चीज के लिए आपके फैन हैं बेसिकली।